हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, और मुझे लगता है अगर उस शेयर को हमने 5 से 10 साल दे दिए और उसमें अगर हम एक अच्छी रकम या फिर SIP मोड पे भी पैसे लगाते हैं ना, आपके पैसे मल्टी बैगर बन जाएंगे और आप करोड़पति भी बन सकते हैं उसी एक शेयर के भरोसे। तो अगर बात करें उससे रिलेटेड, हमने पहले ही बात करी है 4 महीने पहले, वो शेयर 4 महीने पहले कुछ और था, आज के रेट में कुछ और है और अच्छे खासे रिटर्न इसने 4 महीने में भी दिए, लॉन्ग टर्म में भी दिए है, उस चीज़ से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ, जानते हो कौन सा शेयर है। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर बात करूँ यहाँ पर, कल के दिन में डीमार्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई गई थी, इनके रिजल्ट आए थे तो इसे देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर मल्टीपल बैंक्स के रिजल्ट थे वो भी देख लीजिएगा, और कुछ शेयर है वाला 23 रुपये का शेयर डैन नेट हैथवे केबल डैन नेटवर्क, इन्हें देख लीजिएगा, और ये भी और भी बहुत सारे वीडियोज है तो उसे जरूर जाके देख लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं, क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आप अगर आज डोनेशन देना चाहते हैं तो PM केयर फंड में दे सकते हैं, आसपास के लोगों की सराउंडिंग में आपके जो गरीब है या जिन्हें जो नीडी बने उन्हें की आप सहायता कर सकते हैं इस कोविड के सिचुएशन में। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अगर रिटर्न के मामले की बात करें तो 1 डे में 1.16%, 1 वीक में 1% माइनस में है, 1 मंथ में 7%, 3 मंथ में 56%, 6 मंथ में 72%, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको अच्छा रिटर्न देते हुए ये दिखता है। 3 साल की बात करें 184% के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी को आए हुए मार्केट में लिस्ट हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, बट जब ये 3 साल ओके 10 साल में चेंज होगा तो ये जो फिगर है ना, मुझे लगता है इसके पीछे ना 2 से 3 जीरो कम से कम लगती हुई नजर आएगी। 2 जीरो तो मुझे लग रहा है कि आराम से लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनका जो बिजनेस है ना बहुत यूनिक मॉडल है और बहुत बेहतरीन मॉडल है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर बात करें कुछ और पैरामीटर्स की तो यहाँ देख सकते हैं 211 रुपये का 6 मई को शेयर था जब मार्केट क्रैश हुई थी उसके बाद। अगर बात करें यहाँ पर 832 का यहाँ पर 7 मई को, यहाँ पर 2 दिन पहले ही था ओके। अगर बात करें यहाँ पर और भी चीज़ों की तो लगभग 34% की डिलीवरी, 541,000 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। अगर और भी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी फिलहाल में रिजल्ट भी आए थे, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट थे, और यहाँ पर आप देख लीजिए प्रमोटर की होल्डिंग तो कुछ नहीं है, पर पब्लिक FIIs DIIs ने भर भर के यहाँ पर शेयर ले रखे हैं, और यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आती है ओके, हर साल डिविडेंड दे रही है। और अगर हम यहाँ पर और भी चीज़ें देखें तो कोई भी शेयर प्लस नहीं है जितने भी शेयर है। तो कंपनी कौन सी है, शेयर कौन सा है, उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, 1 डे का चार्ट पैटर्न ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया, और ये जितना गिरता है ना बायोन डिप्स करिए बेहतरीन स्टॉक है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर और भी चीज़ देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब 12 अप्रैल से अभी तक शेयर कितना भाग लिया है, 6 मंथ से चार्ट पैटर्न देख लीजिए ओके। अगर बात करते हैं यहाँ पर 1 साल की तो वो भी आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 216 से किस तरीके से यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ नजर आया है, और आपको कितने मल्टीबैगर रिटर्न, अगर बात करें 268% के रिटर्न देता हुआ नजर आया 1 साल के अंदर अंदर। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मैम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपके सामने है, मतलब जब लिस्ट हुआ था अच्छा खासा लिस्ट हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज, और फिर जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद जो भागना इसने रैली शुरू करी है वो एक बेहतरीन रैली थी, और ये रैली कंटिन्यू रहने वाली है 5 से 10 साल, क्यों उसके पीछे रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कौन सा शेयर है उसे बताया था, तो शेयर का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, नाम देख के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि ये शेयर आपको क्यों दे सकता है मल्टी बैगर रिटर्न, करोड़पति क्यों बना सकता है उसके पीछे की। तो अगर बात करें, हमने देखिए यहाँ पर 519 रुपये पे शेयर चल रहा था कल 18 दिसंबर, तभी हमारे बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में यहाँ पर ये शेयर बताया गया था आपको ओके, खरीदने के लिए बताया गया था इसका बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल से कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और कौन सा इन स्टॉक्स पर लगाए पैसे ओके, सदाबहार चलने वाला बिजनेस है, कौन सा सिक्योरिटीज का स्टॉक सबसे बड़ा है और सेफ है, मतलब कौन सा अच्छा है ओके उस स्टॉक से रिलेटेड, मतलब सिक्योरिटी स्टॉक, सिक्योरिटी स्टॉक्स मींस व्हाट, मतलब आप किसी भी सिक्योरिटीज में जाके आपके डीमैट अकाउंट होता है, जैसे आप ज़ेरोधा में ओपन कराते हैं, एंजल ब्रोकिंग में, ऐसे ऐसे सिक्योरिटी, IIFL जो जीत, मतलब मल्टीपल यहाँ मोतीलाल ओसवाल, तो यहाँ पर मल्टीपल जहाँ भी आप अकाउंट ओपन कराते हैं
तो क्या होता है कि ये अकाउंट्स की जो सारी डिटेल्स होती है ना, वो किसके पास होती है? वो होती है सीडीएसएल के पास। ओके, सीडीएसएल उस आपके अकाउंट की डिटेल्स रखता है। और अगर बात करें तो पहले जो मार्केट में, बात 1 से 2 साल पहले, केवल 2 करोड़ ही मार्केट में लोग थे जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के पर्पज से आते थे। बट अगर अब की बात करें तो 4 करोड़ हो चुके हैं। और 4 करोड़ में से अगर बात करें तो देखिए, 2 ही एनएसडीएल और यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर बात करें सीडीएसएल, ओके, एनडीएसएल और सीडीएसएल, यहाँ पर 2 ही है, नेशनल डिपोजिटरी और ये सेंट्रल डिपोजिटरी। तो अगर बात करें सीडीएसएल, तो सीडीएसएल की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास 4 करोड़ में से 3 करोड़ कस्टमर केवल इन्हीं के हैं, समझ रहे हो? 4 करोड़ में से 3 करोड़ कस्टमर सीडीएसएल के है, मतलब सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस, मतलब इनके पास ही यहाँ आपके अकाउंट रहते हैं। और यहाँ पर देखोगे 10 लाख से किस तरीके से 3 करोड़ रुपए, सॉरी 3 करोड़ के इनके डीमैट अकाउंट की तरफ ये भागा है। और किस रफ्तार से इन्होंने देखिए यहाँ पर तरक्की करी है, आप देख सकते हैं। 2020 में 2 करोड़ से 1 करोड़ कस्टमर 1 साल के अंदर अंदर इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं, डीपी इनके बढ़ते हुए नजर आए, डीमैट अकाउंट इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। ओके, पेपरलेस वोटिंग जो आप करते हो, जो आप मतलब आप कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो जब कंपनीज कराती है तो उसके लिए क्या बैलेट, जो बैलेट के थ्रू होती है तो वो भी यही कंपनी कराती है, वहां से अलग से अच्छा खासा पैसा मिलता है। ओके, एडमिन फॉर सिक्योरिटीज, यहाँ पर आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तो ओपन योर डीमैट अकाउंट, तो आपको बताना चाहता हूँ हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे। ओके, आप दिन में आप तो चलो अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर बात करें उन ट्रेडर्स की, जो ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम्स दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार ट्रेडिंग करते हैं, ओके, एज वेल एज अगर बात की जाए साल में, वो अगर बात करें 200 दिन भी मार्केट चलता है, 240 डेज मार्केट चलता है, तो उन 240 डेज में कम से कम 1000 टाइम्स में ट्रेडिंग कर देते हैं। और अगर 3 करोड़ लोग में से अगर बात करें 500 के हिसाब से भी अगर लगाया जाए तो कितनी ट्रेडिंग होती है, आप उसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा की ट्रेडिंग होती है। 100 करोड़ के कितना पैसा लेता है, तो हर एक ट्रांजेक्शन पे ये कितना, 4 रुपए यहाँ पर चार्ज करता है, 4-4.5 रुपए यहाँ पर चार्ज करता हुआ नजर आता है सीडीएसएल। ओके, और आप बात करिए 100 करोड़ × 4, इस तरीके से अगर आप करके देखोगे, और जैसे जैसे यहाँ पर अकाउंट बढ़ते जाएंगे, इंडिया में अभी अगर यूएस की बात करें 75% लोग, ओके, 75-90% लोग यहाँ पर ट्रेड मतलब शेयर बाजार में है, बट इंडिया में केवल 2-3% लोग ही यहाँ पर शेयर बाजार में है। और जिस दिन अगर बात की जाए केवल 20% भी लोग शेयर बाजार में आ गए, ओके, जो कि आगे चल के होगा डेफिनेटली, जैसे जैसे उनकी ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे उन्हें पता चलेगी इट इज नॉट अ गैम्बल, इट इज नॉट अ गैम्बलिंग गेम, इट इज अ इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म, तो आप तो यहाँ पर लोग बढ़ेंगे, और लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सब चीज होती हुई नजर आएगी, और बिलेनियर और मिलेनियर नए नए बनते हुए लोग नजर आएंगे। एज वेल एज अगर बात करें तो इसका फायदा केवल सीडीएसएल को होता हुआ नजर आएगा। जब सीडीएसएल के पास अभी 3 करोड़ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने अपने यहाँ पर किस तरीके से, मतलब 2005 में 10 लाख अकाउंट थे, 2021 में 3 करोड़ है। तो अगर जिस तरीके रफ्तार से अगर जिस दिन 15 करोड़ 20 करोड़ हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रेवेन्यू क्या होगी। इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के ये शेयर मल्टी बैगर बनने वाला है, आपको बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। अभी केवल फ्लाइट में लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, आप इसमें SIP मोड पे या फिर मुफ्त रकम आप क्या चाहते हैं उस तरीके से धीरे धीरे मतलब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो, सॉरी धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करो। और मेरे को लगता है 5 से 10 साल, ओके, मार्केट में लोग नए नए आएंगे आएंगे और आएंगे, और जिस जब लोग नए नए आएंगे ना, तो यहाँ पर जो इसके फिगर, जो इसका प्लेट, जो इसके फाइनेंशियल है, बिल्कुल चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए, अभी देखिए स्मॉल कैप कंपनी 8,346 करोड़, इसके पीछे 2 जीरो कब कम में लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब 2 जीरो इसके पीछे लगेंगे तो इसके पीछे भी 2 जीरो लगेंगे। जब ये 800 का शेयर है तो ये भी 80,000 के शेयर पे चेंज होता हुआ नजर आएगा। बोनस, तब तक कंपनी बोनस वगैरह क्या क्या देती हुई नजर आएगी, कुछ भी नहीं पता आपको आगे के बारे में, बट स्टिल हम इसके बारे में सोच सकते हैं। कि इसलिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी इससे रिलेटेड, कि ये शेयर जब भाग रहे हैं तो यहाँ पर जब इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हर एक के नए नए कस्टमर जुड़ रहे हैं, तो सीधा फायदा सीडीएसएल को। ओके, यहाँ पर किसी के भी यहाँ पर कोई भी ब्रोकिंग फर्म यहाँ पर अपने कस्टमर जोड़ेगी, सीधा फायदा सीडीएसएल को, सीडीएसएल एनडीएसएल यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आया, क्योंकि 2 ही डिपोजिटरी है,
तो इसमें से सीडीएसएल के पास सबसे ज्यादा अकाउंट है, तो इनके सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। और डेट फ्री कंपनी है, प्लेजिंग किस नाम की भी नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर 526 की है। अगर बात करें पी 52 का है, बट पी इनको गोली मारो। बट बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की। देखिए जून 2018 में 36 करोड़ की सेल्स थी, अभी अगर बात करें 79, सबसे ज्यादा सेल्स। मतलब कंसिस्टेंसी देख रहे हो, तो जो कंसिस्टेंसी नजर आती है ना, तब प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें 16 करोड़ का प्रॉफिट, 42 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर तब्दील हो चुका है। यहाँ पर अदर इनकम थी, जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पर अदर इनकम की वजह से इफेक्ट पड़ता है वो थोड़ा बहुत। अगर बात करें यहाँ पर और भी चीजों की, तो यहाँ पर देखिए 2010 में 101 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि 10 से 11 साल के अंदर में 271 करोड़ की। अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट 48 का 160 करोड़, मतलब 4 गुना हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व्स 126 करोड़ के रिजर्व 578 के हो गए। कंपनी देखिए किस कभी, मतलब पिछले 10 साल में कोई लोन ही नहीं लिया, कोई बोरिंग नहीं ली, जो कि इस कंपनी की सबसे खूबसूरत बात है। अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, 576 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास कर रखा है। और बात करें यहाँ पर कैश की, तो 114 करोड़ का कैश, ओके, ट्रेड रिसीवेबल 10 करोड़, ओके, टोटल एसेट बढ़ते हुए नजर आ रहे। एज वेल एज बात करें कैश, कंपनी के पास जो भी पैसा बचता है सीधे यहाँ पर कैश फ्लो में आ जाता है इनका अच्छे खास। अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, और अगर आप मुझे एक मिनट का टाइम दे दे तो मैं आपको और दिखा सकता हूँ यहाँ पर। एक मिनट दीजिएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मनी कंट्रोल की साइड पर मैं आ गया हूँ, आप भी सीख लीजिए किस तरीके से। यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन में यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर अगर नीचे जाते हैं, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर्स के पास 20% की हिस्सेदारी है, कंटिन्यूसली सेम ही हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें, तो एफआईएस के पास यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, मतलब 2 मार्च 2020 में 1% की होल्डिंग थी, एक साल के अंदर अंदर देखिए 7% की होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज कर ली है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी कम करी है, बट स्टिल उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास देखिए 38% की हिस्सेदारी है। अदर्स की बात करें, अदर्स के पास यहाँ पर 0.02% की हिस्सेदारी है। तो इस चीज को समझिए, एफआईएस खरीद रहे हैं, डीआईएस के पास है, प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास है थोड़ी बहुत हिस्सेदारी, और एचएनआईस के पास है। तो आप इस चीज को थोड़ा सीरियस लेके अगर हम बात करें, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएगी। आगे कंपनी बोनस भी दे सकती है, स्प्लिट भी दे सकती है, राइट इशू भी लेके आएगी अगर पैसों की जरूरत होगी तो। यहाँ पर अगर बात करें डिविडेंड, तो कंपनी देती है ही है। तो इसलिए आपको सीडीएसएल की तरफ खास कर ध्यान देना है, ओके, इसलिए आपको बता रहा हूँ 3 करोड़ कस्टमर हो चुके हैं, तो बेहतरीन आगे चल के 15 से 20 होंगे। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देती हुई नजर आएगी। तो जैसे जैसे शेयर गिरता रहे, ओके, अगर बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है, धीरे धीरे एक 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 शेयर खरीद सकते हैं, 1 शेयर खरीदिए, 10 शेयर खरीद सकते हैं, 10 शेयर खरीदिए। एसआईपी मोड पर जितना पैसा आप लगा सकते हो ना, इस शेयर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लगाते रहना, बेहतरीन रिटर्न, बेहतरीन रिजल्ट देते हुए ये कंपनी आगे भी नजर आएगी। तो इसी चीज से रिलेटेड ये वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा, और अगर आपको कौन सा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करिए कि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी। बाकी और भी वीडियो हम इस तरीके की बनाते रहेंगे, आप बताइए कौन से शेयर चाहिए। और बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास ले आते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।